a regular hexagon of 30 mm side has a corner in the hp its surface is inclined at 45 degree to the hp draw the projections of hexagon when top view of the diagonal through the corner which is in hp makes an angle of 40 degree with the vp and second is the diagonal through the corner which is in hp makes an angle of 40 डिग्री विद द वीपी यहां पे सरफेस इंक्लिनेशन एचपी के साथ है और हेक्सागोन का एक कॉर्नर हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है तो स्टेप वन में हम हेक्सागोन को एचपी में ही रख देंगे ये कंडीशन में हमें हेक्सागोन का ट्रू शेप टॉप से मिलेगा बट हेक्सागोन को एचपी पे हम दो तरीके से रख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन है ये जिसमें ये एज हमारी xy के परपेंडिकुलर है नाउ अगर हम हेक्सागोन के सरफेस को एचपी के साथ इंक्लाइन करेंगे तो हमारा हेक्सागोन एक कॉर्नर पे, पे, पे रखना है सेकंड पोजीशन ये है जिसमें यह एज हमारी एक्स वाई के पैरल रहेगी हेक्सागोन के सरफेस को एचपी के साथ इंक्लाइन करेंगे तो हमारा हेक्सागोन कॉर्नर पे रेस्ट करेगा डेटा के अकॉर्डिंग हमें यह पोजीशन कंसीडर करनी है तो स्टेप वन में हम हेक्सागोन का टॉप यू ऐसे ड्रॉ करेंगे टॉप यू में हेक्सागोन का ट्रू शेप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस होगी हेक्सागोन की साइड जितनी। 30 एम mm रेडियस से हम एक सर्कल बनाएंगे उस पे यहां से एक आर्थ लगाएंगे और दूसरा आर्क यहां से लगाएंगे हमें ये सर्कल पे दो पॉइंट्स मिलेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई तक जो ये सर्कल को ये दो पॉइंट्स में कट करेगी ये सर्कल पे हमें टोटल सिक्स पॉइंट्स मिले उन सबको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा हेक्सागोन कंप्लीट हो जाएगा नेमिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे ए बी सी डी ई एंड एफ हेक्सागोन को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही कंसीडर किया है तो उसका फ्रंट यू लाइन मिलेगा और वो लाइन एचपी पे होगी नेमिंग देंगे ए डैश डैश c डैश डी डैश ई डैश एफ डैश स्टेप वन में हेक्सागोन को हमने एचपी पर रखा था जिससे टॉप यू से हमें ट्रू शेप मिला और फ्रंट यू से एक लाइन मिली नाउ अगर ये हेक्सागोनल प्लेट को फ्रंट से ऑब्जर्व करेंगे और इसकी सरफेस को 45 डिग्री एचपी के साथ इंक्लाइन करेंगे तो फ्रंट यू में जो लाइन है वो लाइन की लेंथ सेम रहेगी बट उसका एंगल होगा 45 डिग्री तो सेकंड स्टेप में हम ये लाइन पहले ड्रॉ करेंगे सबसे पहले हम एक्स वाई पे एक पॉइंट मार्क करेंगे ये होगा हमारा पॉइंट ए डैश उसके बाद वहां से 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे वो लाइन पे हमें ये डिस्टेंस मार्क करना है यहां पे होगा बी डैश कॉमा एफ डैश यहां पे मिलेगा सी डैश एंड ई डैश और यहां पे होगा डी डैश ये लाइन हम डार्क ड्रॉ करेंगे उसके बाद टॉप यू ड्रॉ करने के लिए फ्रंट फ्रंटयू से प्रोजेक्टर नीचे एक्सटेंड करेंगे अगर ये हेक्सागोन को स्टेप टू में हम कंसीडर करेंगे ऐसे तो इसका शेप चेंज होगा जिसे ड्रॉ करने के लिए हम स्टेप वन के टॉप यू से प्रोजेक्टर्स यहां पे एक्सटेंड करेंगे यहां पे होगा पॉइंट ए यहां पे बी यहां पे मिलेगा सी यहां पे होगा डी ई e, एंड एफ स्टेप वन से स्टेप टू में टॉप यू हमारा चेंज हुआ तो नेमिंग रखेंगे नाउ थर्ड स्टेप है टॉप ऑफ़ डायगोनल थ्रू द कॉर्नर विच इज इन एचपी मेक्स एन एंगल ऑफ फोर्टी डिग्री विद द वीपी सेकेंड स्टेप के टॉप यू में हेक्सागोन के थ्री डायगोनल्स है ए वन डी वन बी वन ई वन एंड सी वन एफ वन इन तीनों में से हमें वो सिलेक्ट करना है जो डायागोनल में एक कॉर्नर हमारा ऐसा हो जो एचपी पे हो ए पॉइंट हमारा होरिजोनटल प्लेन में है तो हम डायागोनल सिलेक्ट करेंगे ए वन डी वन ये एवन डी वन डायागोनल का टॉप व्यू है एक्चुअल लेंथ ऑफ एवन डी वन हमें फर्स्ट स्टेप के टॉप व्यू में मिलेगी एवन डी वन हमारी रिड्यूस्ड लेंथ है नाउ केस वन में डायगोनल के टॉप यू को वीपी के साथ 40 डिग्री रोटेट करना है तो हमें एवन डी वन को एक्स वाई के साथ 40 डिग्री पे रखना है सबसे पहले हम एक्स वाई पे एक पॉइंट मार्क करेंगे वहां से 40 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये लाइन पे हमें वन डी वन को मार्क करना है हम डिस्टेंस लेंगे ए वन डी वन और यहां पे आर्क लगाएंगे यह पॉइंट है हमारा ए वन यह है डी वन बी वन फाइंड करने के लिए हम ए वन से वन जितनी रेडियस से एक लगाएंगे। ए वन टू एफ वन डिस्टेंस भी ए वन टू बी वन जितना ही होगा उसके बाद डी वन से बी वन जितना डिस्टेंस लेंगे यहां पे मिलेगा हमें बी वन और यहां पे एफ वन ये पॉइंट है हमारा बी वन ये है एफ वन उसके बाद हम C1 एंड ई वन पॉइंट फाइन करेंगे यहां पे होगा C1 यहाँ पे होगा ईवन थर्ड स्टेप में फ्रंट यू ड्रॉ करने के लिए टॉप यू से हमें प्रोजेक्टर्स एक्स वाई के ऊपर ले जाने होंगे यहां पे मिलेगा हमें पॉइंट ए डैश यहां पे होगा बी डैश यहां पे होगा सी डैश ये पॉइंट होगा डी डैश ये है ई डैश और ये है एफ डैश ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम फ्रंट यू कंप्लीट करेंगे सेकंड स्टेप टू थर्ड स्टेप में फ्रंट यू का शेप चेंज है तो हम ए वन डैश बी वन डैश ऐसे करेंगे तो ये हुआ हमारा केस वन कंप्लीट जिसमें डायगोनल का टॉप यू 40 डिग्री पे है वीपी के साथ नाउ केस टू में डायगोनल मेक्स एन एंगल 40 डिग्री विद द वीपी यहां पे हमें डायगोनल की ट्रू लेंथ कंसीडर करनी है यह केस के लिए स्टेप वन एंड स्टेप टू तो यही रहेंगे सिर्फ स्टेप नंबर थ्री चेंज होगा जिसमें हमें 40 डिग्री पे वन डी वन की जगह पे डायगोनल की ट्रू लेंथ मार्क करनी है बट आपका टॉप यू का शेप चेंज नहीं होगा थर्ड स्टेप में तो उसके लिए जो प्रोसीजर है वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले एक्स वाई पे एक पॉइंट मार्क कीजिए उसके बाद वहां से 40 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए यह 40 डिग्री लाइन पे सबसे पहले हम पॉइंट ए वन मार्क करेंगे नाउ सेकंड केस में ट्रू डायगोनल का वीपी के साथ इंक्लिनेशन 40 डिग्री है तो हमें यहां से डायगोनल सिलेक्ट करना है और उसको एक्सवाई के साथ 40 डिग्री पे मार्क करना है यह पॉइंट को नेमिंग देंगे हम डी टू उसके बाद डी टू से एक्स वाई के पैरल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो डी के लोकस को रिप्रेजेंट करेगा नाउ सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप में जाने के लिए हमें यह शेप कॉपी करना है यहां पे एवन डी वन की वैल्यू ट्रू डायगोनल से कम है तो हम ए वन डी वन पहले डिस्टेंस लेंगे ए वन को सेंटर लेके ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आर्क लगाएंगे यहां पे हमें मिलेगा पॉइंट डी वन वन एंड डी वन मार्क करने के बाद बाकी के पॉइंट्स हम ये दो पॉइंट्स की रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे यहां पे होगा बी वन यहां पर सी वन यहां पर ई वन यहां पर एफ वन केस टू में यहां पे आप देख सकते हो कि ए वन डी टू डायागोनल की ट्रू लेंथ है जो हमने 40 डिग्री पे मार्क की है और डायगोनल का टॉप यू ए वन डी वन यहां पर है ये टॉप यू कंप्लीट करने के बाद हम फ्रंट फ्रंटयू के लिए प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड करेंगे यहां पे होगा ए वन डैश यहाँ पे बी वन डैश सी वन डैश डी वन डैश ई वन डैश एफ वन डैश तो ये हुआ हमारा केस नंबर टू का थर्ड स्टेप जिसमें ट्रू डायगोनल 40 डिग्री पे है एंड में हमें डायमेंशनिंग करनी होगी एज डायमेंशन है 30, सरफेस इंक्लिनेशन है 45 डिग्री केस वन में डायगोनल का टॉप यू फोर्टी डिग्री पे है सेकंड केस में ट्रू डायगोनल फोर्टी डिग्री पे है